साहब, किशोरावस्था में पड़ोसन ने मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया। अब पति कर रहा प्रताड़ित। पीड़िता ने पति और पड़ोसन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर SP ऑफिस में पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के भौंदी थाना क्षेत्र के मनपुर गांव की रहने वाली एक महिला ने बुधवार को SP ऑफिस में पहुंचकर पति और पड़ोसन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महिला का आवेदन महिला पुलिस थाने को भेजकर जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार संदीप और पत्नी साहब सिंह सरदार पुत्री कोमल निवासी ग्राम मनपुरा थाना भौंती ने बताया कि उसके माता पिता की मौत के बाद वह अपने मौसा के घर रह रही थी। 7 साल पहले जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी, तभी मनपुरा गांव की गुड्डी यादव ने शादी के नाम पर उसे दर्शन कॉलोनी चिनोर रोड डबरा के निवासी साहब सिंह पुत्र बलबीर सिंह सरदार को 5 लाख रुपए में बेच दिया। शादी के बाद पति साहब सिंह उसे पैसे देकर खरीदने की दाम पर मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा। इस दौरान 7 साल में उसके 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की हुई। 19 अक्टूबर 2023 को पति साहब सिंह ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और उसके 2 बच्चों को रख लिया। इसके बाद उसने इसकी शिकायत डबरा थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने उसे 1 बच्चे को दिला दिया। अब पति मनपुरा गांव आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन मैं पति के साथ जाना नहीं चाहती हूं, महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए पति और पड़ोसन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सुनिए महिला की आप बीती। नाम है आपका? संदीप। कहाँ से आई हो आप? डबरा से। SP ऑफिस आई हो सुप्री में, क्या समस्या लेके आई हो? बच्चे की वजह लड़की नहीं दे रहा है, मारपीट करता है लड़का, तो पुलिस द्वारा लेके आई थी, लड़की दे नहीं रहे मुझे। लड़की की उम्र कितनी है आपकी की? 6.5 साल की है। और आप रहने वाली कहाँ की हो? मनपुरा की। मनपुरा मोती की। हाँ। आपकी शादी कहाँ हुई थी और? डबरा। कितने साल पहले हुई थी? 6-7 साल हो गए। तो आपको कब से परेशान कर रहा है वो? शुरू से ही कर रहा है। अच्छा, शुरू से ही परेशान करता रहा? मारपीट करता है, बच्चों की वजह सोच रही थी। अच्छा, आपने शादी की थी या फिर किस तरीके से शादी की है आप? हमने नहीं की, बीच वालों ने करवा दी, बहुत छोटी उम्र थी। तो कितने साल की उम्र में शादी हुई? 16 की उम्र में शादी हुई आपकी। हाँ। तो किसने करवाई? 16 की पूरी हुई थी। किसने करवाई? गुड्डी यादव। गुड्डी यादव कौन है ये? मनपुरा की रहने वाली है। कौन है ये, आपके रिलेशन में है कौन? नहीं, हमारे रिलेशन में नहीं है, ऐसे ही बोलने लगे। बोले हमारे साथ साथ नहीं, में बात भी नहीं हो रही है। माँ बाप भी नहीं है आपके? नहीं। और इसने शादी करवा दी सरकार से। अच्छा, किसके साथ रहते हो आप? मामा मामी के पास रहते हैं। माँ बाप का मतलब कोई गुजर गए हैं या फिर कोई हादसा हुआ था? नहीं, है ही नहीं है, खत्म हुआ है। दूसरा पापा है पर वो मुझे चाहते नहीं, इसलिए मैं तो मामा मामी के पास रहती हूँ। अच्छा, अभी आप जहाँ आई थी यहाँ SP ऑफिस में, अब क्या चाहती हो आप? न्याय चाहती हूँ। नहीं, आपने एक और जैसे बताया कि मेरे को उन्होंने बेच दिया था, किसने बेचा था? आप गुड्डी यादव। गुड्डी यादव और उसका पति कल्लू। अच्छा, तो उन्होंने आपके पति से पैसे लिए होंगे फिर, बेचा होगा तो? हाँ, जिससे शादी कराई। कितने पैसे लिए? 5 लाख रुपए लिए। और अब वो आपको रखना नहीं चाहता? नहीं, मुझे क्या है, मैंने शादी की थी, मैंने तो बच्चों के लिए की थी कि शादी हो गई है, मेरे बच्चे मुझे दे और तू निकल यहाँ से, तेरा कोई काम तो नहीं। कितने बच्चे हैं? लेकिन वो टॉर्चर करता है, इसे परेशान करता है। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। कितने कितने साल के हैं? लड़का 5 साल का, 5.5 साल का और लड़की 6.5 साल के। आपका कौन सा बच्चा उन्होंने रख लिया है वहाँ पे? लड़की रखी है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? मैं लड़की चाहती हूँ और तलाक चाहती हूँ। जान से मारने की धमकी देता कहता।